शायद मेरा ड्रीम और बच्चों का ड्रीम एक ही होगा, ओलंपिक तक जाने के लिए। जो मेरा ड्रीम था शायद बच्चों का ड्रीम, वो बच्चों के थ्रू मैं अपनी पूरा करूंगा। फिलहाल अगले साल की तैयारी चल रही है, 2022 में एशियन गेम्स आएगी उसकी और जो वर्ल्ड चैंपियनशिप आएगी उसकी तैयारी चल रही है। और मेरा ओलंपिक गोल्ड का ड्रीम, मेरा गोल 2024 की पेरिस ओलंपिक से। ओलंपिक में रिप्रेजेंट करने का मेरा ड्रीम है, और अभी जो अपकमिंग एशियन और वर्ल्ड चैंपियनशिप होने वाली है उसमें पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ और मेडल भी लाना चाहता हूँ इंडिया के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिटिस्तान। मॉर्निंग के बज चुके हैं 7 और मैं आया हूँ आज हनास ताइक्वांडो एकेडमी में। मैं पहले आपको हनास ताइक्वांडो एकेडमी दिखा देता हूँ कि हनास ताइक्वांडो एकेडमी दिखता कैसा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी चल रहा है योगा, एथलीट्स बाहर खड़े हुए हैं। तो मैं आपको पहले एथलीट्स दिखाता हूँ हनास एकेडमी के। आपने एकेडमी का नाम ज़्यादा नहीं सुना होगा, बट एथलीट के नाम आपने ज़रूर सुने होंगे। मैं आपको दिखाता हूँ हनास ताइक्वांडो एकेडमी के कोच और एथलीट्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एथलीट्स बिल्कुल रेडी तैयार है मॉर्निंग ट्रेनिंग के लिए, और आप देख सकते हैं वहाँ पे जो कोच है हनास ताइक्वांडो एकेडमी। सो स्किन हो चुकी है थोड़ी टैन क्रिकेट खेल खेल के। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं एथलीट हल्का सा आई थिंक वार्म अप कर रहे हैं इनकी मॉर्निंग ट्रेनिंग से। आप शिवम यहाँ पे खड़ा है, तेजस भी है और सूरज चौहान, यस। ओके, सो ओजस इज ऑल्सो हियर। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं गर्ल्स यहाँ पे रेडी हैं, और आपको मिलाता हूँ सर से यहाँ पे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्लान क्या है सर आज का, फिर क्या करने वाले हैं आज? तो अभी होगी वार्म अप होगी और सुबह की दौड़ हो जाएगी। सुबह की दौड़ होगी। सो दौड़ के लिए क्या प्लान, मतलब कैसे? पहले वार्म अप तो आई थिंक ये बच्चे कर रहे हैं अभी, या यहीं पे हम लोग वार्म अप कर लेंगे, फिर अभी निकलेंगे फिर दौड़ के लिए। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हनास ताइक्वांडो एकेडमी के जो कोच हैं वो एथलीट्स को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि उनको कौन से रूट पे रनिंग करनी है। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. Storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. आप यहाँ पे देख सकते हैं एथलीट्स मेन रोड पे ट्रेनिंग कर रहे हैं, गाड़ियाँ यहाँ पे आ रही हैं, गाड़ियाँ जा रही हैं। ये जो एथलीट हैं ये कोई नॉर्मल एथलीट नहीं है, ये सारे एथलीट नेशनल और इंटरनेशनल मेडलिस्ट हैं। इनकी जर्नी, इनके अचीवमेंट के बारे में आपको वीडियो के आगे पता चलेगा। बहुत सारे एथलीट जो हमारे इंडिया में होते हैं वो ये सोचते हैं कि जब तक हमारे पास प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं होंगे, जब तक हमारे पास कोई बड़ी एकेडमी नहीं होगी, हमारे पास मैट नहीं होंगे, हमारे पास सारे इक्विपमेंट्स नहीं होंगे, तब तक हम लोग ट्रेनिंग नहीं करेंगे और तब तक हम एक अच्छे प्लेयर नहीं बन सकते। लेकिन हनास ताइक्वांडो एकेडमी के एथलीट हम सब के लिए एक एग्जाम्पल हैं कि कम रिसोर्सेज में भी आप इंटरनेशनल मेडलिस्ट बन सकते हैं, आप नेशनल चैम्पियन बन सकते हैं। हम सबको पता है पुणे महाराष्ट्र में जो कोविड की सिचुएशन है वो थोड़ा ज़्यादा सीरियस है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट, और हमें ये भी पता है कि इस साल कोई मेजर नेशनल और इंटरनेशनल चैम्पियनशिप नहीं होने वाली। जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप थी वो भी पोस्टपोन हो गई है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स जो थे वो भी पोस्टपोन हो चुके हैं। जब मैंने इनसे कहा कि अभी तो कोई मेजर चैम्पियनशिप है नहीं, तो इतनी ट्रेनिंग इस कोविड टाइम पे करने की क्या ज़रूरत है, घर पे रहो रेस्ट करो, तो इनका जवाब आया कि हमारे सपने बड़े हैं, हमारी जर्नी बहुत लंबी है और हम रेस्ट नहीं कर सकते, हम रुक नहीं सकते, हम हमारे अच्छे कल के लिए आज मेहनत कर रहे हैं इस कोविड टाइम पे भी, जिससे कि आने वाले टाइम पे हमको इसका रिजल्ट मिल पाए।
आप इन एथलीट्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अगर आपका इन एथलीट्स के साथ या फिर कोच के साथ कोई भी एक्सपीरियंस है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर हम सबके साथ शेयर कीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबको बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे पसीना आया है, इनका मॉर्निंग ट्रेनिंग अभी ख़त्म हो गया है। तो सर अभी क्या प्लान है? मॉर्निंग ट्रेनिंग तो ख़त्म हो गया इनका, नेक्स्ट क्या प्लान है अभी? अभी ये जाएंगे अपने अपने घर। ओके, और फिर आफ्टरनून के लिए रेडी हो जाएंगे। ओके, सो मिलते हैं आपसे आफ्टरनून में। हेलो फ्रेंड्स, सो बज चुके हैं 3 और आप यहाँ पे देख सकते हैं एथलीट रेडी हो रहे हैं आफ्टरनून ट्रेनिंग के लिए। आप सबको पता है कि पुणे में लॉकडाउन का इशू है, तो 5 बजे के बाद आप ट्रेनिंग नहीं कर सकते, इसीलिए एथलीट 3 बजे आते हैं यहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए। तो यहाँ पे मैट्स लग रहे हैं, थोड़ी देर में एथलीट अपनी आफ्टरनून ट्रेनिंग स्टार्ट कर देंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं सारे एथलीट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एथलीट्स ने मैट लगा के वार्म अप स्टार्ट कर दिया है। आप सबको मैं बताना चाहूँगा कि हनास ताइक्वांडो एकेडमी के पास मैट भी कुछ साल पहले ही आए हैं, 2019। आप सब ने, बहुत से लोगों ने खेला भी होगा, सेकेंड इंडिया ओपन जो हुआ था उससे पहले इन्होंने मैट खरीदे हैं अपनी एकेडमी के लिए, जिसपे ये अभी वार्म अप कर रहे हैं। आप सबसे एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि वार्म अप क्या होता है, क्यों वार्म अप करना ज़रूरी है, अगर हम वार्म अप नहीं करेंगे तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, और अगर हम वार्म अप करते हैं तो कितने टाइम तक, कितने मिनट तक हमको वार्म अप करना चाहिए जिससे कि हमको उसका जो वार्म अप का बेनिफिट है, बेनिफिट मिल पाए, और अगर आपको वार्म अप करने से या फिर ना करने से कोई बेनिफिट या फिर कोई इसका डिसएडवांटेज आपको हुआ है तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वार्म अप के बारे में वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए। आप सबके कमेंट्स में पढ़ता हूँ, उनको लाइक करता हूँ, और उससे मुझे एक आइडिया मिलता है कि हमारे जो एथलीट हैं, हमारे जो कोचेज हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या है एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए। कुछ ही देर में इनका जो वार्म अप है वो ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद किकिंग स्टार्ट हो जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं एकेडमी में गाड़ी भी खड़ी है, बाइक भी खड़ी है, तो इनके पास जगह भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकी फैन पैड पे, या फिर आप बोल सकते हैं कि टारगेट प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई है। कुछ ही देर में इन सारे एथलीट्स के बारे में आप जानेंगे, ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आपके साथ, इनकी जर्नी के बारे में आपके साथ बताएंगे, और इनकी जो अचीवमेंट है अभी तक ताइक्वांडो में वो सारी चीज़ें हमारे साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ जो कोच हैं हनास ताइक्वांडो एकेडमी के, वो भी अपनी जर्नी के बारे में हम सबके साथ बात करेंगे, उनका मोटिव क्या है इस एकेडमी को खोलने का वो भी हमारे साथ बताएंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी एकेडमी में आऊं और आपकी एकेडमी की, आपके एथलीट की और कोच की जो स्टोरी है वो कवर करूं, तो नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्योंकि इस चैनल का मोटिव ये नहीं है कि जो बड़ी अकेडमीज़ हैं या फिर जिनके पास बड़े बड़े एथलीट हैं सिर्फ और सिर्फ उनको ही कवर करना है, ये चैनल उन सभी को कवर करेगा जिसका मोटिव है कि हमको ओलंपिक में इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लेके आना है, जिसके लिए एथलीट कोचेस मेहनत कर रहे हैं, उनकी यही मेहनत को इस चैनल के थ्रू लोगों को दिखाना है, जिससे कि हमारे गेम को, हमारे ताइक्वांडो को और भी प्यार मिल सके लोगों से और भी बड़ी पहचान मिल पाए। And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. Shadow turns to sun rays, and on we'll go.
वैक्सीनेशन के बाद ट्रेनिंग करके कैसा लग रहा है अभी? आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे एथलीट्स हैं, इनसे बात करेंगे हम, इनके बारे में जानेंगे, इनके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, इनके कब से ताइक्वांडो खेल रहे हैं और अचीवमेंट्स क्या हैं इनकी, ये सारी एक एक करके हम जानेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सूरज है हमारे साथ। सूरज, कब से ताइक्वांडो खेल रहे हो आप? जी मैं फिफ्थ स्टैंडर्ड का था तब से खेल रहा हूँ ताइक्वांडो। प्लान क्या आपका, फ्यूचर प्लान क्या है? फ्यूचर प्लान तो अभी 2022 का जो एशियन गेम है उसमें मुझे मेडल चाहिए, इसलिए तैयारी तो चल रही है हमारी पूरी तरह से। ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, दिख रहा है लॉकडाउन में आप 3 बजे आके ट्रेनिंग कर रहे हो। लॉकडाउन की वजह से थोड़ा बहुत आगे पीछे हो रहा है पर कर रहे हैं। बिल्कुल बेस्ट ऑफ लक, आप अपनी ट्रेनिंग कीजिए, हम आपसे बाद में मिलते हैं। मेरा नाम तेजस सिगोन है, मैं 9 साल से ताइक्वांडो खेल रहा हूँ अभी और मैं एशियन चैम्पियनशिप जूनियर खेल गया था 2017 में और अभी जो अपकमिंग एशियन और वर्ल्ड चैम्पियनशिप होने वाली है उसमें पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ और मेडल भी लाना चाहता हूँ इंडिया के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शिवम से पूछेंगे कि क्या फ्यूचर प्लान्स हैं उनके। वैसे तो आप में से काफ़ी लोग ने पहले ही इनका इंटरव्यू देखा है जहाँ पे इन्होंने अपने फ्यूचर प्लान्स को हमारे साथ शेयर किया है, लेकिन हम जानेंगे कि 3 बजे दोपहर में आके ट्रेनिंग करने का मकसद क्या है। ये तो तैयारी फिलहाल अगले साल की तैयारी चल रही है, 2022 में एशियन गेम्स आएगी उसकी और जो वर्ल्ड चैंपियनशिप आएगी उसकी तैयारी चल रही है। ऐसे नहीं है कि एशियन गेम्स वर्ल्ड चैंपियनशिप है अगले साल तो अगले साल स्टार्ट करेंगे, ऐसे इससे कुछ होता नहीं है, तो इसकी तैयारी हम लोग अभी से स्टार्ट करें। सो ये होती है एक चैम्पियन की खासियत कि यहाँ पे लॉकडाउन है, यहाँ पे आप ट्रेनिंग नहीं कर सकते हो, फिर भी आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर आप एकेडमी देखोगे तो यहाँ पे पूरा टीम का है, दोपहर के 3 बजे हुए हैं और इतनी धूप पड़ रही है यहाँ पे, उसके बावजूद भी आप पसीना देख के आपको पता चल जाएगा कि एथलीट कितनी मेहनत करते हैं एक नेशनल और इंटरनेशनल चैम्पियनशिप में मेडल लाने के लिए। मेरा नाम निनाद पांगरे है, मैं 10 साल से ट्रेनिंग कर रहा हूँ। मेरा गोल अभी वर्ल्ड चैम्पियनशिप और एशियन चैम्पियनशिप आ रहे हैं उसकी तैयारी चालू है और मेरे अभी तक के अचीवमेंट में इंडिया को एक बार रिप्रेजेंट कर चुका हूँ वर्ल्ड चैम्पियनशिप में और 10 नेशनल मेडल्स उसमें से 8 गोल्ड। मेरा नाम श्रेयस सुनील कोरपड़े, मैं 6 साल से ताइक्वांडो खेल रहा हूँ और मेरे ओपन नेशनल्स में मेरे को मेडल है वगैरह है और गोल अभी जस्ट सीनियर में एंट्री कर रहा हूँ तो गोल यही है कि नेशनल टीम को सिलेक्ट कर जाए। मेरा नाम ओजस खाटकर है, मैं 9 साल से ताइक्वांडो की प्रैक्टिस कर रहा हूँ और अभी मुझे अचीवमेंट्स मतलब कैडेट में एशियन और जूनियर खेला हूँ और फुजिरा में ब्रॉन्ज मेडल है और जीवन में गोल्ड और कोरिया में किमोनियो कप में सिल्वर मेडल है। मेरा ओलंपिक का ओलंपिक में रिप्रेजेंट करने का मेरा ड्रीम है। मेरा नाम आशीष श्रीकांत यादव है, मैं अभी 5 साल ताइक्वांडो करता हूँ खुद से अभी करके और मैं अभी ओपन इंटरनेशनल को सिलेक्ट हुआ था उसमें जॉर्डन तस्कन को गया था, नेशनल में मुझे गोल्ड है विशाखापट्टनम। मेरा नाम पूजा द्विवेदी है, मैं 9 साल से हिना ताइक्वांडो अकेडमी में प्रैक्टिस कर रही हूँ, अभी तक मैं नेशनल प्लेयर दो बार खेल चुकी हूँ नेशनल्स और मेरा ओलंपिक गोल्ड का ड्रीम है। मेरा नाम शुभदा कोरपड़े है,
मैं 5 साल से यहाँ पे ट्रेनिंग कर रही हूँ और मैंने अभी ओपन इंटरनेशनल में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। मेरा नाम मृणाल किशोर वैद्य है और मैं हना ताइक्वांडो एकेडमी में 6 ईयर्स से प्रैक्टिस कर रही हूँ और मैंने 6 इंटरनेशनल्स और 9 नेशनल्स खेले हैं और मैं फर्स्ट कैडेट फीमेल हूँ जिसको एशियन में ब्रॉन्ज मेडल मिला है और मेरा गोल है ओलंपिक खेलना। मेरा नाम साची सुमन जाधव है। मैंने आज तक 2 नेशनल खेले हैं, एक ओपन नेशनल था उसमें से 3 इंटरनेशनल खेले हैं उसमें से 1 सिल्वर है, ओपन इंटरनेशनल था सॉरी। और मेरा गोल ओलंपिक 2024 और 2028 खेलने का है। मेरा नाम श्रुतिका टकले है। मैं पिछले 4 साल से ताइक्वांडो खेल रही हूँ। मैंने 9 नेशनल्स खेले हैं, 4 गोल्ड है और 2 ब्रॉन्ज। मैंने 3 इंटरनेशनल खेली है, एक में गोल्ड है, एक वर्ल्ड चैंपियनशिप और एक एशियन चैंपियनशिप। मेरा नाम स्वप्नाली घेमूर है। मैं यहाँ पर 2 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ। मेरे 4 नेशनल मेडल्स है और मेरा गोल पेरिस 2024 ओलंपिक है। मेरा नाम राशि पवार है। मैं 5 साल से ताइक्वांडो प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैं नेशनल एथलीट हूँ। मैंने अब तक 3 नेशनल्स खेले हुए और 3 इंटरनेशनल खेले हुए, उसमें कोरिया के इंटरनेशनल में मुझे गोल्ड मेडल और वियतनाम के इंटरनेशनल में मुझे सिल्वर मेडल है। आप में से बहुत सारे लोग इनको जानते होंगे, आपने इनको नेशनल और इंटरनेशनल में देखा होगा। आप सबके लिए एक क्वेश्चन है, इनके पास एक ऐसी अचीवमेंट है जो कि इंडिया में किसी भी कोच के पास नहीं है, वो अचीवमेंट क्या है कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि क्या ऐसी अचीवमेंट है जो कि इन्होंने अचीव की है, बाकी किसी भी इंडियन कोच के पास वो अचीवमेंट नहीं है। तो ये है प्रवीण संकुल सर जो कि हनास ताइक्वांडो एकेडमी चलाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे शिवम से लेके बाकी जितने भी इंटरनेशनल नेशनल एथलीट हैं इनको इन्होंने तैयार किया है। तो इनसे बात करेंगे क्योंकि अगर आपको मैं दिखाऊँ यहाँ पर तो क्योंकि जो एकेडमी है पूरी टीम की एकेडमी है और अगर आप मैट भी देखेंगे तो यहाँ पर कम्प्लीट मैट नहीं है, उसके बावजूद भी नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर निकालना, इंटरनेशनल मेडल निकालना, किस तरीके से ये पॉसिबल हो पाया, क्या इनका प्लान था इस एकेडमी को ओपन करने का और किस तरीके से इन्होंने कुछ ही सालों में इतना बड़ा अचीवमेंट इंडिया के लिए लाके दिया है। हेलो यू, थैंक यू सो मच। तो प्रवीण सर, जैसा कि मैंने अभी बता रहा था कि आपके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, इतने कम रिसोर्सेज में इतने बड़े प्लेयर्स कैसे? शायद मेरा ड्रीम और बच्चों का ड्रीम एक ही होगा, ओलंपिक तक जाने के लिए। सोच बड़ी है, पैशनेटिक है, बच्चों बहुत सिंसियर प्रैक्टिस करते हैं और जो मेरा ड्रीम था शायद बच्चों का ड्रीम वो बच्चों के थ्रू मैं अपने पूरा करूँगा। तो बस यही एक जुनून है जो जितनी भी मेहनत की है उस हिसाब से आज तक डेट में जो भी अचीव हुआ है वो बस उसी हिसाब से हुआ है, बाकी तो सब सब चीज़ें वैसे ही हैं। आपके पास सारी चीज़ें, आपके पास नेशनल मेडलिस्ट हैं, आपके पास इंटरनेशनल मेडलिस्ट हैं, चैंपियन है, सिर्फ मेडलिस्ट नहीं, आपके पास नेशनल चैंपियन है, आपके पास इंटरनेशनल चैंपियन है, कितने साल लग गए इस जर्नी में? आई वाज स्टार्ट माय जर्नी, वैसे तो क्लब स्टार्ट किया था 1994 से लेके फर्स्ट टाइम आई वॉज इन कोरिया में जाने के बाद 1 साल बाद मैंने स्टार्ट किया था। बट हम लोग तभी जैसे कि इंडिया में बहुत सारे लोगों को पता ही है ये प्राइवेट लेवल पे हम लोग कर रहे थे, पर ये सब कुछ पता होने के लिए शायद मुझे मेरी अपनी जर्नी, शायद मेरा अपना एज ख़त्म हो गया था क्योंकि एज ऑफ 25-26 मैंने एक्चुअल फेडरेशन क्या है, फेडरेशन पता तो था पर उसका वे नहीं पता था। तो माय एज ऑफ 25-26 मैंने फेडरेशन एक्चुअल में फेडरेशन चैम्पियनशिप क्या है वो ज्वाइन कर लिया था, फेडरेशन में चैम्पियनशिप स्टार्ट किया था। तो मेरी ऐसे कह लेंगे तो ये एक्चुअली ये जर्नी स्टार्ट होगी तो अचीवमेंट के साथ 2010 जहाँ से मैंने एक्चुअल में फेडरेशन में डिस्ट्रिक्ट में मेरे पहला मेडल आया था अपने बच्चों के थ्रू, तब तक मेरी जर्नी खत्म हो गई थी। सो कौन सा आपका पहला मेडलिस्ट था? सुश्रुत हतरगे। नहीं अभी वो इट वॉज माई सिंस फर्स्ट बैच, वो पहली बैच के शायद लड़के होंगे और उनसे पहले थी एक सबसे छोटी सी, सबको पता होगी महाराष्ट्र में सब बहुत फेमस है जो आज के डेट में छत्रपति अवार्डेड है
शायद अभी शादीशुदा होके अबोली की बात कर रहे हैं, अबोली पाटिल जैसे, अभी पहले उसका नाम अबोली जगताप क्या था, वन एंड ओनली मेरे पास सीनियर प्लेयर थी, उसके थ्रू एक्चुअल मेरे एक्चुअल में मेडल अचीवमेंट मेरे स्टार्ट हुए थे, बट उसके बाद जो भी ये जूनियर्स बच्चे थे, जो सब जूनियर बच्चे थे, तो आई थॉट मेरे हिसाब से सब जूनियर से मेरा मेडल स्टार्ट हुआ था सुशील ठाकर के, जो वहाँ के पहला नेशनल गोल्ड आया था, फिर अनुजा फाटक कशिश मलिक के साथ भी खेली हुई है, तो अब शायद वो बच्चे अब नहीं रहे, मतलब बहुत सारे थे, जो अमोल जगताप हो गया, जैसे क्या अभी तो शायद मैं नाम भी भूलना चाहूँ, पर ये सब नेशनल मेडलिस्ट थे और वो एक उनका दौर ख़त्म हो गया, अब ये सब जब वो लोग सीनियर्स थे तब शिवम वगैरह इन लोगों ने स्टार्ट किया था। सो 2010 से पुणे में हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट में शायद पहली बार हम लोग मेडल टैली में आए थे, जैसे रैंकिंग आपके खेलोडी जिम इसमें, तो वहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट होगी। सो आज के डेट में आपके सामने सर, आपसे एक क्वेश्चन है, एज अ कोच आप क्या फील करते हैं जब आपका एथलीट सेलेक्ट होता है और वो फिर मेजर इंटरनेशनल चैम्पियनशिप में नहीं खेल पाता, तो एज अ कोच आपको किस तरीके से फील होता है? शायद ही इससे बुरा फील कोई ना हो, क्योंकि इस ड्रीम के लिए या फिर समझ लो कि इस टूर्नामेंट के लिए या इस चैम्पियनशिप के लिए हम लोगों ने दिन रात और शायद बहुत सारा उम्र या बहुत सारी वक्त हम लोगों ने इसमें दिया, और जब मुंह जैसे वो के मुंह में और खाना निगल नहीं पाए हम लोग ऐसी बात होगी, तो इससे बुरा फील कभी नहीं हुआ होगा। पेरेंट्स को कैसे फिर फेस करते हो आप? ये बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि उनके शायद ही मेरे पास उनके लिए कुछ आंसर्स होंगे, बट होप्स मेरे पास मेरे पेरेंट्स और मेरे जैसे बच्चे हैं वैसे मेरे पेरेंट्स भी, कि उनको रियलिटी पता है, प्रैक्टिकल थिंग्स पता है कि एक्चुअल में इंडिया में क्या होता है क्या नहीं। सो मोस्ट ऑफ इट हम लोग यही सोचते के चलते कि जो हुआ वो वही से हम लोग करके आगे की हम लोग तैयारी में लगे रहे, तो ऐसे ही थोड़ा होप्स ही हम लोगों को आगे रखना है बस, बाकी तो और कुछ नहीं। बिल्कुल सर, अभी हम यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि एकेडमी के बारे में आपके पास इतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है, तो कब हम आपको एक बड़े रिसोर्सेज के साथ देखेंगे जहाँ पे एक एकेडमी हो, मैट हो, बच्चे 24 घंटे आके ट्रेनिंग कर सकते हो, जहाँ पे ऐसी आवाज़ अगर आप देखो तो एकेडमी के जस्ट बाहर रोड है, बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, कब हम ऐसा देखेंगे कि बच्चों के पास एक अच्छा इनडोर यू नो हॉल हो जहाँ बच्चे के पास सारी सुविधाएँ हों और जिससे कि आपका जो गोल है उस गोल तक पहुँचने की आपकी जर्नी थोड़ी सी ईजी हो जाए? होप विल बी सून। ओके ओके, दैट्स अ होप ही दुनिया का है में, तो कोशिश है हमारी, कोशिश कर रहा हूँ। और सर बहुत से जो बच्चे हैं आपके अंडर ट्रेन होना चाहते हैं, जब वो देखते हैं शिवम की तरह, तेजस की तरह, आपकी मृणाल जो एथलीट हैं वो मेडल लेके आते हैं, तो उनको भी लगता है कि वो आपके अंडर ट्रेन हो, तो उनको अगर आपके अंडर ट्रेन होना है तो क्या चीज़ें हैं जो उन्हें करनी पड़ेगी जिससे कि वो आपके यहाँ पे आके आपकी एकेडमी में आके आपके अंडर ट्रेनिंग कर सकें? हमेशा का कहना है, आप क्या ट्रेनिंग कर चुके हो या क्या कर रहे हो या क्या करना चाह रहे हो, ये शायद ही कुछ मायने रखता है, पर इससे ज़्यादा मायने रखेगी आपको ताइक्वांडो के प्रति आप कितना पैशनेटिक हो, कितने पागल हो। अगर ये सब जो चीज़ें तुम्हारे पास है तो यू मोस्ट वेलकम, बाकी चीज़ें तो कुछ नहीं ज़्यादा मायने नहीं रखेगी। बिल्कुल, तो अगर आप हनास ताइक्वांडो एकेडमी में आना चाहते हो और सर के अंडर ट्रेनिंग करना चाहते हो तो सर का नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पे भी फ्लैश हो रहा होगा, तो आप डायरेक्टली सर को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और अगर आप सच में आपका सपना है कि एक सिस्टमेटिक वे की तरफ अगर आपको ओलंपियन बनना है या फिर आपको नेशनल चैंपियन बनना है या फिर इंटरनेशनल चैंपियन बनना है तो कॉन्टैक्ट कीजिए, बाकी आपकी किस्मत के ऊपर है, बाकी आपकी मेहनत के ऊपर है। तो यहाँ पे ट्रेनिंग हो चुकी है ख़त्म, पूरा एक दिन मैंने हनास ताइक्वांडो एकेडमी में बिताया, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। यहाँ पे एक कॉमन चीज़ मैंने देखी कि यहाँ पे पेरेंट्स हो, कोच हो या फिर एथलीट्स हो, सब एक पेज पे हैं, सबका जो मोटिव है वो सेम है कि ओलंपिक में गोल्ड मेडल निकालना है। और जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका जवाब ये है कि प्रवीण संकुल सर इंडिया के पहले ऐसे कोच हैं जिन्होंने ग्रैंड स्लैम चैम्पियन सीरीज़ जो कि ओलंपिक क्वालिफिकेशन था
उसमें कोचिंग की है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस एकेडमीज, कोचेज और एथलीट्स का इंटरव्यू देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक नई एकेडमी के साथ, कुछ नए एक्सपीरियंसेस के साथ। जय हिंद, जय भारत।